हैं अमित शाह जो है वो आगे चल रहे हैं गांधीनगर सीट से इस वक्त। जी हाँ, ये शुरुआती रुझान जो हम आपको बता रहे हैं आ रहे हैं और इसमें अमित शाह जो है वो गांधीनगर सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं और नीचे आप टैली देख पा रहे हैं, एनडीए 80 सीटों पर और इंडिया गठबंधन 32 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है। Yes, Tanvi, please go on. If we look at the people and we, you know, how they have voted, so if as per the exit polls, people from the age group of 18 to 25, they've mostly voted for the India Alliance. And the reason for that is that the youth does not, you know, their aspirations are not reflected in the government. If we look at jobs, if we look at, you know, what the youth needs today. So there, this government is clearly lacking in bringing the transformational changes, the structural changes. So clearly, you know, even if BJP wins today, they need to address these problems, you know, the fundamental problems that the youth is facing, you know, for them, mm-hmm. because this is like a ticking time bomb. People will, you know, come out on the streets if they don't have jobs. So this is a serious problem that we need to look at. And this will be reflected in the assembly polls also. So we have Haryana, Punjab and Jharkhand this year. And, you know, this will be clearly reflected there. Maharashtra. Absolutely, yeah. महाराष्ट्र, बिल्कुल महाराष्ट्र, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर जो है इस साल चुनाव होने हैं। बिल्कुल, इसके बाद क्या वहां के नतीजे होते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जाहिर तौर पर अगर एनडीए की सरकार बनती है तो 125 दिन का एक तरह से टारगेट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखा गया है कि हम 125 दिन के अंदर क्या क्या करेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के ताजा रुझान एक बार फिर से बता दें, एनडीए 94 सीटों पर, इंडिया 36 सीटों पर आगे दिख रहा है इस वक्त। जी हाँ, और राजस्थान की 25 में से 8 सीटों पर बीजेपी को बढ़त दिख रही है और कांग्रेस को मात्र 1 सीट पर बढ़त दिख रही है। महाराष्ट्र में एनडीए के खाते में 10 सीटें और इंडिया के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं शुरुआती रुझान के अंदर। गुजरात की 26 सीटों में से 6 के रुझान है, जो 6 के 6 रुझान बीजेपी के पक्ष में जो है वो इस वक्त जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पक्ष में 3, बीजेपी के पक्ष में 5 सीटें जाती हुई जो है वो दिख रही है। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को 7 सीटें जाती हुई दिख रही है, 39 में से 7 सीटों के रुझान जो है इस वक्त हमारे पास आ गए हैं। केरल में लेफ्ट के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, ये शुरुआती रुझान है 5 सीटों के। पंजाब की अगर हम बात करें तो 3 की 3 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में, 13 में से 3 के रुझान है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। दिल्ली में 6 सीटों के रुझान है, जिसमें 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीट शुरुआती रुझान में दिख रही है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, एनडीए के खाते में 20 सीटें और इंडिया गठबंधन को 10 सीटें उत्तर प्रदेश में इस वक्त शुरुआती रुझान में है। बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए के खाते में 6 और इंडिया के गठबंधन को 2 सीटें वहां पर मिलती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश में 7 सीटों के रुझान है हमारे पास, बीजेपी को 7 की 7 सीटें मिलती हुई दिख रही है। एब्सोल्युटली योगेश, एंड द नंबर्स एज आई से वेरी डायनामिक एज ऑफ नाउ। इनफैक्ट वन इंफॉर्मेशन कमिंग इन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, Kangana Ranaut is also leading. There you see on the screen from the seat of Mandi. We will be bringing you all the details. Mr. Mecha, Shyam Prasad Mecha there from Congress. The initial trends that we are seeing as of now is clearly giving NDA an upper hand. And needless to say, the day has just begun. How and when do you believe that the Congress, especially, in alliance with several other political parties, the vision that the party has projected as of now in the manifesto, do you believe that the people's faith is definitely and will ultimately show their true colors, if I may say so, show their true results? Yeah, see, okay, so as far as the current trends are concerned, these are very early postal ballots, and also that too, right. You're getting trends from the seats where there are very few postal ballots. That's why they were able to complete the count quickly. Subscribe to One India channel and never miss an update.